हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोग के लिए एक टेस्ट लेके आया फ्रेंड्स। तो आज का हमारा एडिटोरिया का टेस्ट नंबर फ्रेंड्स है वो हमारा टेस्ट नंबर 13 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा टेस्ट अपलोड कर चुका, अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके अगर आपको टेस्ट का डेली 9 PM में देना है तो प्लीज़ टेलीग्राम से आप लिंक से ज्वाइन हो जाइए, आपको डेली PDF मिलेगा फॉर्म में, उसे आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो किस अधिवेशन में कहा था फ्रेंड्स? तो एक का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा, यह अभिव्यक्त बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो फ्रेंड्स दो का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1829 के नियम 17 के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। उन्हीं ने प्रेरित होकर बेंटिंक ने दिसंबर 1829, याद रखिएगा दिसंबर 1829 में के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? तो 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ओम ह्यूम। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम ही इसके प्रथम अधिवेशन में महासचिव की भूमिका में थे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो 4 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिए फ्रेंड्स कौन कौन भाग लिए थे, तो सरोजिनी नायडू हो गया, राजकुमारी अमृत हो गया, राजकुमारी अमृत कौर हो गए, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो गया ने गांधी जी का नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो ये तीनों भाग लिए थे। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो फ्रेंड्स 5 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एलन वरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि 1843 यानी कि 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वरो के ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन से भाग अप्रभावित रहा? तो फ्रेंड्स 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंगेर। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहबाद विद्रोह के मुख्य केंद्र थे, जबकि मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वारेन हेस्टिंग। तो फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल कब? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 यानी कि 1772 ईस्वी में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों उप दीवाने मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया गया, मतलब पद से हटा दिया गया, तथा अंग्रेजों द्वारा दीवानी कार्य को सीधे अपने हाथ में ले लिया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो 8 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस को। तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसे कार्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा भारतीय नागरिक सेवा का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 9 का इज द राइट आंसर, कि 1 नवंबर 1858 को। तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स 10 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इनकी, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स तिलक और गांधी दोनों के खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने का सुनहरा मौका माना। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू और मुसलमानों को सूत्रबद्ध करने का ऐसा अवसर था जो 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो 11 का सी इज द राइट आंसर इनकी 1799 ईस्वी में। तो फ्रेंड देखिएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। तो फ्रेंड्स 12 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं, उनके लेखक जो है वो आरसी दत्त है। ठीक है, कौन है? तो आरसी दत्त है। बाकी ये सब के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो 13 का बी इज द राइट आंसर इनकी कोलकाता अधिवेशन 1917। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि श्रीमती एनी बेसेंट जो आयरिश मूल की महिला थी ने कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि चंपारण आंदोलन 1917 से जुड़े व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा विसंगत को छांटिए। तो फ्रेंड्स 14 का सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे कि जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि भू राजस्व की महलवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई। तो फ्रेंड्स 15 का इज द राइट आंसर इनकी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महलवाड़ी पद्धति पश्चिमी उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई। मध्य प्रांत पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? तो फ्रेंड्स 16 का ए इज द राइट आंसर कि विक्रम संवत 1858 ईस्वी। तो फ्रेंड देखिएगा कि विक्रम संवत 1858 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। अन्य जो ये भी बाकी शक संवत 1878 ईस्वी ये सही है, हिजरी संवत 622 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी ये आपका सही है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कि नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो 17 का बी इज द राइट आंसर यानी कि कठोपनिषद। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच हुए युद्ध से जुड़े संबंध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने। तो रवि कृति के अभिलेख के अनुसार हर्ष के दक्षिण अभियान को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराकर रोका था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंगोल खां तरमासिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स 19 का 20 द राइट आंसर यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल के दौरान अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण तरमासिरिन के नेतृत्व में 1326 से 27 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1327 यानी 1326 से लेकर 1327 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर कि पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था। तो 20 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति, फ्रेंड्स याद रखिएगा ताम्रलिप्ति हो गया, घंटाशाला एवं कदुरो से गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार संचालित किया जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इन एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है।
तो कौन है, तो 21 का 20 राइट आंसर यानी कि सिंधु। तो वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन है, इसके बाद सरस्वती का वर्णन अधिक है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, याद रखिएगा ठीक है। इसके बाद सरस्वती और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि बिहार के तीसरे कृषि रोडमैप का कार्यकाल है, तो 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि बिहार के तीसरे कृषि रोडमैप 2017 से 22 में फसल, बागवानी, दूध, अंडा, मांस, मछली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 23 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि उदयपुर वन्य प्राणी स्थल बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था, तो 24 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अहिंसा। तो बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकश्वरवाद, याद रखिएगा एकश्वरवाद, सिंह बोगा जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप में शामिल था ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि मुंगेर में बरहिया ताल या बकाशत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कार्यानंद शर्मा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मुंगेर में बरहिया ताल या बकाशत आंदोलन 1936 से 38 के बीच में हुआ था, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के कब्जे में चली जाती थी, जिसे बकाशत कहते हैं, याद रखिए बकाशत का मतलब होता है कि वैसा कर जो मतलब क्या कि लगान जो लगान अगर नहीं देने पर क्या होता है कि किसानों की भूमि जमींदार के कब्जे में चली जाती थी ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो फ्रेंड्स 26 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम चंपारण। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या पश्चिम चंपारण में निवास करती है, और फ्रेंड्स सबसे कम अनुसूचित जनजातियां वाला जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो याद रखिएगा शिवहर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 27 का डी इज द राइट आंसर है कि 11.71%। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या 11.71% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल कितनी संख्या है फ्रेंड्स, तो 28 का डी इज द राइट आंसर है कि 31। तो 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुई बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या याद रखिएगा 2967 यानी कि 2967 है, पर बिहार में बाघों की संख्या केवल कितनी है, तो याद रखिएगा 31 है ठीक है। भारत में पूरा कितना है, तो 2900 की कितना का रिपोर्ट, तो याद रखिएगा डेट है 29 जुलाई 2019 के रिपोर्ट के अनुसार ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार की, तो 29 का बी इज द राइट आंसर होता है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में 6 अप्रैल 1930 याद रखिए 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई, तथा राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि किसने गांधी जी के से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था, तो किसने किया था, तो 30 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने। तो फ्रेंड देखिएगा कि चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को स्वयं चंपारण आने और किसानों की स्थिति देखने का अनुरोध किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने मार्च या अप्रैल 1917 में चंपारण आने का आश्वासन दिया। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अजात शत्रु किसका उपनाम है, तो 31 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो फ्रेंड देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं। इनका एक अन्य उपनाम
याद रखिएगा। एक और इनका और अन्य ये उपनाम क्या है, तो देश रत्न इनका उपनाम है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुनीम खान। तो 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बनाया, इसके बाद मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 33 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद उसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 33 हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप इसे बनाइए। 35, 36 मैथ एंड रीजनिंग है, 37, 38 फ्रेंड्स, 39 एंड 40, और 41 भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, 42 भी मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 42 तक आपका मैथ्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें फ्रेंड्स, इसमें कह क्या रहा है क्या कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई के साथ रिजर्व के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, तो 44 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनकी जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। तो लॉरेंज चक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, लॉरेंज चक्र जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय शहरों के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, तो फ्रेंड्स 45 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार बजट के पूंजीगत प्राप्ति यानी कि इसको कैपिटल रिसिप्ट्स का हिस्सा है, अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ आयकर प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और वफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदता है उसे इस रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, तो 46 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिप्राप्ति मूल्य। तो अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार FCI के माध्यम से बफर स्टॉकिंग और PDS उद्योगों के लिए खाद्यान्न को खरीद सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसमें से कौन शामिल है, तो 47 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा जनता के साथ मुद्रा, ये सही है, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, ये सही है, और बैंकों के पास सावधिक जमा, ये सही है, यानी कि एक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो व्यापक मुद्रा में RBI के पास जमा राशि शामिल नहीं है, याद रखिएगा जो अन्य जो जमा है ना, ये जमा राशि क्या नहीं है, तो ये शामिल नहीं है, RBI के पास जमा आरक्षित धन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सार्वजनिक ऋण के घटक है, तो 48 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा यानी कि सार्वजनिक उधारी ट्रेजरी बिल और RBI के द्वारा प्रतिभूति, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या, सार्वजनिक उधार ट्रेजरी बिल RBI को जारी की गई प्रतिभूतियां सार्वजनिक ऋण के घटक है। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, तो फ्रेंड्स 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि
एफआरपी न्यूनतम मूल्य है जो गन्ना किसानों को कानूनी रूप से दे है। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है, सीसीईए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है। तो 50 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। तो 50 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मुद्रास्फीति के स्तर में कमी को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो 51 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। यह इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो 52 का फ्रेंड्स बीस द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि केवल मृत्यु में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 53 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि नॉमिनल राष्ट्रीय आय या तो कीमतों में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि या दोनों को बढ़ा सकती है। इस प्रकार कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि केवल नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर कि अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एल्ड्स बाजार क्या है। तो 54 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां। तो 54 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गिल्ट एल्ड्स बाजार सरकारी प्रतिभूतियां का बाजार है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। तो 55 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वार्षिक बाढ़। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि गंगा के मैदानी भाग में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, इसी कारण। अगला देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये वन है और किस वन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड देखिएगा 56, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मध्य गंगा मैदान ये सही है, अल्पाइन राजस्थान ये सही है, मैनग्रोव मध्य प्रदेश फ्रेंड्स ये सही है, और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती तराई क्षेत्र ये फ्रेंड्स आपका गलत है। क्योंकि फ्रेंड देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार है वो सहाद्री एवं पूर्वी हिमालय राज्य क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखिए सहाद्री एवं पूर्वी हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में स्थित है। और नेपाल से सटे तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रणाली पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और अन्य सभी का सुमेलित इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो 57 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संकोष। ठीक है फ्रेंड्स, तो संकोष ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोष परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। तो 58 का इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड देखिएगा कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जिसका उदाहरण है।
तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत। तो फ्रेंड देखिएगा कि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जबकि हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। तो 60 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तरी अंडमान। तो सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। फ्रेंड्स इसका जो ऊंचाई याद रखिएगा 732 मीटर यानी कि 732 मीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है। तो 61 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि निर्वहनीय ऊर्जा दशक। तो जैव विविधता दशक जो मनाया गया था फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो कब से, तो 2011 से 20। निर्वहनीय ऊर्जा दशक जो है 2014 से 24 मनाया जा रहा है। और मरुस्थलीय दशक जो है 2010 से लेकर 2020 तक मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। तो कहाँ होता है, तो 62 का बी इज द राइट आंसर यानी कि ध्रुवों पर। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर जी का जो मान सबसे ज़्यादा होता है और जी का मान जितना अधिक होगा पिंड का भार उतना ही अधिक होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना है। प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 63 का मान देखिए क्या होगा, कहीं से आप कमेंट करके बताइए लेकिन कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, देखिएगा कि निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आप की छाया सबसे छोटी होती है। तो 63 का सी इज द राइट आंसर यानी कि जून 21 को। तो किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। और सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगी यानी कि 21 जून को सबसे दूर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मैच नहीं कर रहा है। ठीक फ्रेंड देखिएगा फ्रेंड 64 का राइट आंसर हो जाएगा तो स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान, सेलवास उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो फ्रेंड देखिए डाउन्स, तो ये डाउन्स क्या है, तो देखिएगा फ्रेंड्स कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोज हो गया, कैंपास हो गया, सेलवास, पार्कलैंड एवं शवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पेरीज हो गया, कंपास हो गया, बेल्ड हो गया, स्टेपीज हो गया एवं डाउन्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो 65 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों को सुमेलित सम्मेलन में नहीं है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि ध्रुव ज्योति का संबंधी आयन मंडल से होता है, अन्य सभी जो मैच कर रहे हैं वो सभी आपका सही है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा लॉजिक है, देखिएगा ठीक है क्या है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि ध्रुव ज्योति का संबंधी आयन मंडल से होता है। ठीक है ना, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मौसम संबंधित घटना ये सही है, ताप समताप मंडल ओजोन परत सही है, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे ये सही है, मध्य मंडल ध्रुव ज्योति आपका सही है यानी कि एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मैच नहीं कर रहा है, मतलब कौन मैच कर रहा है सुमिलित है। ठीक है, तो 67 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्किमो कनाडा, एस्किमो कमाडा तो कनाडा। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपका 67 नंबर कि ओंग जो है वो जापान नहीं होगा, अंडमान एवं निकोबार का है जो भारत में है। लैप्स जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो लैप्स जो है यूरोपीय टुंडा क्षेत्र है। ठीक है, यूरोपीय टुंडा क्षेत्र है। और गोंड जो है वो गोंड कहाँ है, तो भारत में, अफ्रीका नहीं फ्रेंड्स भारत हो जाएगा। और एस्किमो कनाडा नहीं होगा, इसका आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप सॉरी एस्किमो जो है आपका कनाडा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सबका मैंने आंसर बता दिया तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है। तो फ्रेंड्स 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि हरी पत्तेदार सब्जियां 14 आवश्यक विटामिनों में से 8 का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, और जिनमें से इनमें विटामिन जो है वो ए, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी नाइन, सी, ई के और बीटा कैरोटीन शामिल
हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं होता है शामिल? तो 69 का डी इज द राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अग्रचर्वणक, ठीक है ना, अग्रचर्वणक जो होते हैं वो 3 से 4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर है कि एक व्यस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो फ्रेंड्स 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर। तो एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्राप्ति, उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा वातावरणीय ताप पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 71 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्थि मज्जा, इसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइटों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो 72 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिभृक ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अधिभृक ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती है जो आपके उपापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। तो 73 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्कियोपैट्रिक्स इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि आर्कियोपैट्रिक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आर्कियोपैट्रिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसमें कई अन्य विशेषता है जो सरीसृप में पाई जाती है, सरीसृप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसको रेप्टाइल कहते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो 74 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि गैस एवं द्रव्य। तो गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो 75 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उभयचर और सरीसृप। तो फ्रेंड्स उभयचरों और सरीसृपों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है जिसमें 2 अटरियां और 1 निलय होता है। मछलियों के 2 कक्षीय हृदय होते हैं और पक्षियों और स्तनधारियों में के दिल के 4 कक्ष 4 हृदय कोष्ठीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरिया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यूरिया जो है वो हमारे मूत्र में मौजूद होता है, जबकि प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का निर्माण याद रखिएगा 1828 यानी कि 1828 ईस्वी में जर्मन रसायनविद वोलर ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड को गर्म करके किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो 77 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स। तो चूना पत्थर का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है जिसे धातुमल के रूप में जाना जाता है और समय समय पर भट्टी से निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 78 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय या त्रिविमीय क्रिस्टलीय प्रणाली पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 70 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो फ्रेंड्स 79 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नमी। तो नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है, हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है, तो 80 का ए इज द राइट आंसर यानी कि साबुन। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, इस कोलाइड को पायस यानी कि इमल्सन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो 81 का डी इज द राइट आंसर यानी कि केंचुआ, जिसको हम लोग अर्थ बॉम्ब कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो केंचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और यह मिट्टी को खाकर मल के रूप में फास्फोरस मुक्त मृदा निकालता है जिससे भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या है, तो क्या है फ्रेंड्स, 82 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। तो सामान्य स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है जिसके कारण स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि क्यों है, तो 83 का बी इज द राइट आंसर, उसका द्विध्रुव आगुण अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि जल हाइड्रोजन के दो परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है, ध्रुवीय यौगिक है, जल में द्विध्रुवीय आगुण अधिक होने के कारण आयनिक लवणों का श्रेष्ठ सुविलायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, तो 84 का बी इज द राइट आंसर यानी कि बढ़ती है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है, वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो फ्रेंड्स 85 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पास्कल के नियम का। तो फ्रेंड्स आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोया जाए तो वह द्रव के अंदर अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करने स्वयं उसका स्थान ले लेती है, जैसे लोहे का जहाज पानी में तैरता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो 86 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन B12 में। तो विटामिन B12 जिसका नाम जो है वो साइनो कोबालमिन, याद रखिएगा साइनो कोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब विटामिन B6 ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि जिसको हम लोग पैराडॉक्सिन्स कहते हैं, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B1 है फ्रेंड्स देखिएगा कि इसको हम लोग थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। और विटामिन B2 जो दिखा हुआ है, इसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ने जैसा रोग होता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर की लोलक का काला विधि है, तो 87 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सरल लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्णमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है तथा घटाने पर क्या होता है, तो यह घटता है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि सोने का कोयला सोने को घोला जा सकता है, मतलब सोने को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो सोने को घोला जा सकता है किसमें, तो सोने एवं नोबेल धातु को उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो 89 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब क्या कि आयतन। तो फ्रेंड्स की सदिश राशि में दिशा व परिमाण दोनों ही होते हैं, विस्थापन वेग बल आदि ये जो है सदिश राशि है, चाल मात्रा तापमान आयतन आदि ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो 90 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीटा किरण। तो बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है, गामा और एक्स किरणों में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, अल्फा किरणें धनावेशित कण है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो 91 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अष्टफलकीय। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर कि शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में सबसे मीठी कौन है, तो 92 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रक्टोज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि शक्कर में जो सबसे जो मीठी जो है वो क्या है, तो फ्रक्टोज है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फ्रक्टोज, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रक्टोज। उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद सोबिट्रोड, उसके बाद माल्टोज, उसके बाद लैक्टोज, वो क्या कि सबसे कम मिठास उसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 93 नंबर कि सैयद अनबरा तैमूर जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, तो 93 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असम। तो फ्रेंड्स सैयदा अनबरा तैमूर असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, सितंबर 2020 में इनका क्या हो गया, तो इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि हाल ही में ब्लैक लाइट्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा, तो 94 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अमेरिका। तो हाल ही में एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के कारण अमेरिका में देशव्यापी विरोध देखा जा रहा है। यह हिंसा के खिलाफ एक अभियान है जिसे ब्लैक लाइट्स मैटर आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तो 95 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना, ठीक है फ्रेंड्स। 96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सितंबर 2020 में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जीमैक्स के किस संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया, तो 96 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि द्विवर्षीय जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मौशिक को विकसित किया गया है, तो 97 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि IIT मद्रास। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको IIT मद्रास द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मौशिक को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 98 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 26 सितंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन वैश्विक समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो 99 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्गरेट एटवुड। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि वर्ष 2020 के लिए टेडन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्गरेट एटवुड को दिया गया। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला, तो
तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्सिको। तो क्रिस्टोबल नामक चक्रवाती तूफान के कारण मैक्सिको तथा उत्तरी मध्य अमेरिका में भारी तबाही देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप देखने से पहले 101 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में नहीं बोलता फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लगता ना कि आप लोग डिस्टर्ब हो टेस्ट में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं कभी आपको एक मिनट टाइम जस्ट सेकंड ले रहा हूँ कि आप प्लीज़ आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हाँ अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप नहीं किए होंगे तो फ्रेंड्स, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी FTII के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो 101 का 20 द राइट आंसर है कि शेखर कपूर को। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सितंबर 2020 में फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 102 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 5। तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, एक हो के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गई है, माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो फ्रेंड्स 103 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंडीज। तो माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर कि ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 104 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बराक ओबामा। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर कि पाकिस्तान को टिड्डी दल को से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा? तो 105 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चीन। तो चीन ने पाकिस्तान को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए सीमा पर बत्तख दल को तैनात किया। विशेषज्ञों के अनुसार एक बत्तख एक दिन में 200 टिड्डियों को खा सकता है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर कि हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया? तो 106 का सी इज द राइट आंसर यानी कि घोंगा। ठीक है, तो याद रखें फ्रेंड्स कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्रेटा थुनबर्ग के सम्मान में घोंगे की एक नई प्रजाति के नाम उनके नाम पर रखा है। 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग को जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए लाइफ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया, इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो 107 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जर्मनी। तो फ्रेंड देखिएगा कि जलवायु कार्रवाई उन्नति पर केंद्रीय पीटर्सबर्ग डायलॉग के 11वें सत्र का आयोजन जनवरी 2020 में किया गया जिसमें प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया, इसकी मेजबानी जर्मनी द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन 108 नंबर कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो 108 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पीवी सिंधु। तो फ्रेंड देखिएगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को चुना गया। खिलाड़ियों को अपने खेल के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने हेतु इस एक मंच प्रदान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन 109 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रही पूनम खत्री का संबंध किस खेल से है? तो 109 का डी इज द राइट आंसर यानी कि वुशु। तो पूनम खत्री का संबंध वुशु खेलों से है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर कि सैरेक्स SARX मतलब सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 110 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गोवा। तो फ्रेंड्स मार्च 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तटरक्षक अभ्यास सैरेक्स 2020 का आयोजन गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 111 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 112 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2021। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच 2021 में किया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत देश करेगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियां में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो 113 का बीस द राइट आंसर, यानी कि चंडीगढ़। तो हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में ने चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील को एक जीवित इकाई या विधिक व्यक्ति घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 114 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 83वां, यानी कि 83वां स्थान। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम फ्री देशों की श्रेणी में रखा गया है। द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत तिमोर लेस्ते और सेनेगल 23वें स्थान पर है, ठीक है ना, 83वें स्थान पे है। और भारत को वर्ष 2020 में 71 अंक प्राप्त हुआ है। पिछले संस्करण में भारत को इस रिपोर्ट में 75 अंक प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 115 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो फ्रेंड देखिएगा, ये आपका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि हाल ही में खोजा गया 2020 AV2 पूरी तरह से शुक्र की कक्षा के अंदर जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह है। यह तथ्य इसे एक बहुत ही विशेष वस्तु बनाता है। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 116 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1.7 लाख करोड़। तो कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नगद सहायता देने का ऐलान किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपाय, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो 117 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महामारी अधिवेशन 1897। तो फ्रेंड्स, महामारी अधिवेशन 1897 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ हिम तेंदुआ की प्रजाति को देखा गया? दुर्लभ। तो फ्रेंड्स, 118 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में 2 दुर्लभ हिम तेंदुओं को देखा गया। अगला क्वेश्चन 119 नंबर कि हाल ही में चर्चा 119 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सम्मिलित नहीं, मतलब इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जुड़ जो शीतल है वो बिहार, ये फ्रेंड्स सही है। अंबुबाची मेला असम में, जो अभी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था, नहीं हुआ था। और विशु जो है वो केरल में, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोंगाली जो बिहू है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है। बिहू जो फेस्टिवल होता है वो हमेशा कहाँ, तो असम में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुर्खियों में रहा कालापानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और नेपाल। तो याद रखिएगा, कालापानी 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है। वहीं भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। तो जिस कारण यह दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 121 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 121 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लुइस ग्लुक को। तो फ्रेंड देखिएगा कि 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी वेमिशाल काव्य शैली के लिए दिया गया है।
122 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि मार्च 2020 में अर्जुन देव का निधन हो गया, मतलब वो कौन थे? तो 122 का बी इज द राइट आंसर, इतिहासकार थे। तो फिर देखिएगा कि प्रोफेसर अर्जुन देव एक प्रख्यात शिक्षाविद और इतिहासकार भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो 123 का बी इज द राइट आंसर यानी कि राज्यसभा द्वारा। तो अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है, ठीक है। और इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम दो तिहाई सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124 नंबर कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, तो 124 का सी इज द राइट आंसर यानी कि मिनर्वा मिल्स वाद। तो फ्रेंड्स याद रखिए मिनर्वा मिल्स वाद 1980 याद रखिए कब हुआ था, तो 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो 125 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि केरल। तो ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले वर्ष 1982 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। अगला क्वेश्चन 126 नंबर कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो 126 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 250। तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है 127 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था, तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में शामिल सदस्य नहीं थे, यह दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। अगला क्वेश्चन 128 नंबर कि भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का नहीं उल्लेख नहीं है, तो 128 का इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, ठीक है, और लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के 1 के ए एवं 191 के 1 के ए में है। भारतीय संविधान में फेडरल और बजट पदों का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में नहीं है, तो 129 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 वर्षों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन है, तो वे हैं शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 130 नंबर कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध विध संविधान के किस भाग में किया गया, सो 130 का सी इज द राइट आंसर यानी कि भाग 12। तो फ्रेंड देखिएगा कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर पद धारण नहीं करता है, तो 131 का सी इज द राइट आंसर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण नहीं करता है, इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है, उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान किए जाते हैं, तो 132 का सी इज द राइट आंसर यानी कि वित्त आयोग। तो फ्रेंड देखिएगा कि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 133 नंबर कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो 133 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो फ्रेंड देखिएगा
कि भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भारत में संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 134 नंबर कि संसद की अस्थाई समिति में कितने सदस्य होते हैं। 134 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 31। तो फ्रेंड्स संसद की अस्थाई समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 कुल 31 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो 135 का ए इज द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड देखिएगा ये जो प्रश्न में जो ऑप्शन के अनुसार जो दिया गया है राज्यों में विधानसभाओं के सीटों की संख्या जो है बिहार में 243 याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 136 का सी इज द राइट आंसर यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर कि हर्षवर्धन के समय में सूती वस्तुओं का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन प्रसिद्ध था फ्रेंड्स, तो 137 का सी इज द राइट आंसर यानी कि मथुरा। तो फ्रेंड देखिएगा कि हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई। तो 138 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि याडाबू संधि। तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों और वर्मा सरकार के बीच यांडाबू की संधि कब हुई, याद रखिएगा यांडाबू की संधि। ठीक है, यांडाबू की संधि कब हुई, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यांडाबू की संधि। और ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 138 का ऑप्शन नंबर डी और ये 1826 ईस्वी में हुई थी। तो ये याद रखिएगा डेट इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 139 नंबर कि तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 139 का बी इज द राइट आंसर यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो फ्रेंड देखिएगा कि ब्रह्म समाज में आने से पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर को ने 1839 यानी कि 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। अगला क्वेश्चन 140 नंबर कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, तो 140 का बी इज द राइट आंसर यानी कि पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटका के भाग को सह्याद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो 141 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड देखिएगा कि जो आपके ऑप्शन जो है आपके सही जो है जो सभी पहाड़ियां प्राचीन चट्टानों से बनी है, संरचनात्मक दृष्टि से ये सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। ठीक है ना, और इन्हें सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार कहा जाता है। गाढ़ो पहाड़िया हो गया, खासी पहाड़िया हो गया, जयंतिया पहाड़िया हो गया, कार्वी अंगलोंग पहाड़िया हो गया। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एक से अधिक। 142 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में इरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है। तो 142 का बी इज द राइट आंसर यानी कि सहरसा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार में इरी रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो सहरसा जिला में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 143 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स किसको जोड़ता है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यानी कि मैक्सिको और क्यूबा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि यूकाटन जो स्ट्रेट है वो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया उसको ध्यान रखिएगा। एक अगर हम बात करें पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ये किसे, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉरेंस जल संधि, ठीक है ना, टॉरेंस जल संधि को जोड़ता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स इंडोनेशिया और मलेशिया, ये जो है वो मलक्का जल संधि को जोड़ता है। और यहाँ पे इटली और सिसली है, तो ये जो है वो मेसिना जल संधि को जोड़ता है। तो ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 144 नंबर क्वेश्चन है क्या कि डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है। तो फ्रेंड्स डेन्यूब नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है फ्रेंड्स, तो 144 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि काला सागर। तो फ्रेंड्स डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच
किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो 145 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नर्मदा। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन 146 नंबर की, कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व माने हैं? तो 146 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 7। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 147 नंबर की, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो 147 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतपाल। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था, ठीक है। और मौर्य काल के जो अन्य अधिकारी कौन कौन थे? तो दुर्गपाल जो थे वो दुर्ग रक्षक थे। दंडपाल जो थे वो सेना का सामान एकत्र करने वाला था। और दैवारिक जो था वो राजकीय द्वार रक्षक था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? तो 148 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अबुल फजल और शेख मुबारक। तो फ्रेंड देखिएगा कि 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप शेख मुबारक और उनके पुत्रों फैजी एवं अबुल फजल ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर कि प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा की गई? तो 149 का बी इज द राइट आंसर, कि लोदी वंश। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदी वंश द्वारा की गई। बाद में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति संत थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संत रविदास 15वीं सदी, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु, दादू दयाल आदि निर्गुण भक्ति के संत थे, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वामी रामानंद सगुण भक्ति के संत थे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा अगर फ्रेंड्स आपका स्कोर क्या हुआ, तो जो आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है टेस्ट, तो स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो। हाँ, अगर अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे आप नए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए बीपीएससी के लिए मैं जल्दी आप लोग के लिए बिहार का इतिहास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको चाहिए तो जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।